नमस्कार दोस्तों, आपके सामने एक छोटा सा पुराना चार्ट लगा हुआ है। आप देख पा रहे हैं? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है देखने में? बिल्कुल सही। और ये चार्ट का नाम मैं पहले आपको बता दूं, ये चार्ट क्या है, कौन सा चार्ट है, और ये है गुल पॉली का चार्ट। गुल पॉली यानी कि गुलशन पॉली का चार्ट है। किसका चार्ट है? गुलशन पॉली, गुलशन पॉली। देखिए ध्यान से समझिएगा इसको, गुलशन पॉली। और ये कब का रिकमेंडेड चार्ट है? 1 जनवरी 2021 का। इस चार्ट पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, क्या पूछना चाह रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ, इसको समझने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए और वीडियो पूरा देखिए। तो इस चार्ट के साथ मैंने एक टैग लाइन लिखा था, नीचे कुछ कैप्शंस लिखे थे मैंने। बहुत सारे मैसेज आए थे उसके, बहुत सारे जवाब आए थे और बहुत सारे लोगों ने उस पर रिएक्शन दिया था। अभी देखिए मैं जरा उस मैसेज को सबसे पहले पढ़ना चाहूँगा कि क्या था वो मैसेज। गुल पॉली का चार्ट 1 जनवरी 2021 को मैंने पोस्ट किया था और मैंने क्या लिखा था, क्या उसका परिणाम है। इसके अलावा मैं एक और स्टॉक आपको दिखाऊंगा और जिसका नाम है आपके सामने में कुछ नाम, जहाँ पे मैंने उस चार्ट के ऊपर लिखा था। और ये भी मैंने 1 जनवरी को ही पोस्ट किया था, ये साइलेंट किलर, जहाँ सन्नाटा है वहाँ पैसा है। ये चार्ट का मेरा हेडिंग था, जहाँ सन्नाटा है वहाँ पैसा है, और ये मेरा हेडिंग था। स्टॉक का नाम था बजाज स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड। क्या नाम था? बजाज स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 1 जनवरी 2021 साल के शुरुआत, उस दिन फ्राइडे था, 1 जनवरी को फ्राइडे था। आप जाके चेक कर लीजिए कैलेंडर। और आज जुलाई, 10 जुलाई है जिसमें ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। लगभग 7 महीना हो गए, 7 मंथ हो गए। तो ये दो स्टॉक्स, एक्चुअली स्टॉक तो मेरे इतने हैं जो हिस्ट्री बना चुके हैं, इतने लंबे लंबे मूव कर गए, लेकिन ये दो स्टॉक पे मैं खास बात करने आपके सामने में आया हूँ। तो ये देखिए, जब मैंने 1 जनवरी 2021 को ये चार स्टॉक दिया था, बजाज स्टील, ये 290 रुपये के भाव पे ट्रेड कर रहा था। कितना? ओनली 290। इसका हेडिंग मैंने लिख दिया था साइलेंट किलर, जहाँ सन्नाटा है वहाँ पैसा है। ठीक है, जहाँ सन्नाटा है वहाँ पैसा है। एक ये हो गया, और दूसरा जो है मैंने दिया था वो था गुल पॉली, जिसमें मैंने लिखा भी था। और वो क्या लिखा था वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है उस चीज़ को समझिए। यहाँ पे मैंने साफ साफ लिखा था कि दोस्तों इस स्टॉक्स पर, ये गुल पॉली का चार्ट है और ये बजाज स्टील साइलेंट किलर वाला, ठीक है, थोड़ा सा इमेज छोटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो इस स्टॉक्स पर यहाँ पे गुल पॉली के बारे में मैंने पूछा था आप लोगों से, दोस्तों इस स्टॉक्स पर आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अगर आपकी इच्छा हो तो आप लोग ज़रा मुझे इस स्टॉक का सिलेक्शन रीज़न और रिजेक्शन रीज़न मुझे मेरे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर भेज सकते हैं। यानी इस स्टॉक का पॉजिटिव और निगेटिव चीज़ मुझे बताइए, मैं बताऊंगा कि किसने मुझे सही उत्तर दिया। और अगर ये मेरी कोशिश आप लोगों को अच्छा लगे तो मैं आगे भी ऐसी कोशिश करता रहूँगा। अब जिन लोगों ने ये दो स्टॉक, 1 नंबर और 2 नंबर को ध्यान में रखा हो, मुझे लग रहा वो आज पैसा छाप रहे होंगे, पैसा कमा नहीं रहे होंगे, पैसा छाप रहे होंगे। मेरा ये लाइन, ये वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि जब आज हम करेंटली इस चार्ट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा सच में पैसा यहाँ पे कमाया नहीं गया, पैसा छापा गया है। तो चलिए देखें जरा कितना पैसा छापा गया। और इसको छापने के पीछे जो ये मशीन को मैंने सिलेक्शन किया था, ये पैसे छापने की मशीन ही तो हुई, ये दोनों स्टॉक हुआ ना, तो क्यों सिलेक्शन किया था इसको भी जरा हम लोग समझेंगे दोस्तों। तो वीडियो मज़ेदार होने वाला है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हैं, सबसे भेजा गया तो बहुत सारे लोगों ने भेजा, लेकिन मैंने कुछ सेलेक्टेड लोगों के नाम सेलेक्ट किए हैं जिन्होंने प्रॉपर रीज़न भेजा था, बहुत ही अच्छे तरीके से लिख के भेजा था कि गुल पॉली को क्यों सेलेक्ट किया गया है और क्या रीज़न है इसके पीछे। मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, हालांकि वीडियो में थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा नहीं, मैं माफ़ी मांगूंगा तहे दिल से कि 6 महीना लेट हो गया। मैं जनवरी में मैंने दिया था और 6 महीने का रिटर्न हो चुका है, इतना ज़्यादा भयानक प्रॉफिट बन चुका। चार्ट पे भी चलेंगे, चार्ट पे जाके देखेंगे। और पहले मैं उस व्यक्ति, उन लोगों का नाम लूँगा, उन व्यूअर लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा
जिन्होंने लगभग लगभग सही सही भेजने का कोशिश किया था। देखिए समर्थ जी हैं, समर्थ जी कहें या समर्थ जी कहें, ये अगर आप मेरे अभी भी व्यूअर हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा समर्थ नाम है या समर्थ है। मेरे ख्याल से समर्थ नाम लिखा है इन्होंने, लखनऊ यूपी से। इन्होंने लिखा था होमवर्क फॉर गुल पॉली, यानी कि गुल पॉली पर मैंने जो होमवर्क दिया था तो इन्होंने कुछ कुछ सही चीज़ पकड़ने की कोशिश किया था। इन्होंने लिखा है माय व्यू इज ओनली बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस। ओके, इन्होंने सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से उसमें रीजन ढूंढने का कोशिश किया, और इन्होंने लिखा भी है कि आपके वीडियो से जितना सीख पाया उतना ट्राई करूंगा सर। यानी कि इन्होंने जो भी बताया उस स्टॉक्स के बारे में, मैंने जो पूछा सिलेक्शन रीजन, वो सारे रीजन इन्होंने मेरे वीडियो से ही सीख के मुझे बताने का भेजने का कोशिश किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर समृद्ध जी। तो सिलेक्शन रीजन ये यहाँ पे लिख रहे हैं पॉइंट कंटिन्यू सेवन। देखिए वीडियो पुराना हो नया हो कुछ बात नहीं, चीज़ें जो होती है उसमें लर्निंग चीज़ें होती है। मेरी वीडियो रॉकेट साइंस की होती नहीं, हमेशा होम साइंस की होती है। तो होम साइंस में हमेशा कुछ ना कुछ नया पकाना चाहिए ना। आज मैगी बना लिया, कल नूडल्स, मैं हक्का नूडल्स बना लिया, कल पोहा बना लिया, रोटी बना लिया, रोटी में कभी तेल लगा लिया, तेल के जगह कभी घी लगा, कुछ कुछ चेंज, मतलब लर्निंग चलते रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने जस्ट बताया कि कंटिन्यू सेवन टू एंथ मंथ से, माने सात से आठ मंथ से प्राइस चैनल में ट्रेड करते हुए अच्छे से बुलिश मूवमेंट के साथ ऊपर आया है। ओके, इन्होंने बहुत अच्छा एक रीजन बताया कि सात से आठ महीना का एक प्राइस चैनल है गुल पॉली में और वो कंटिन्यू ऊपर की तरफ में ही बढ़ रहा है एक प्राइस चैनल को फॉलो करते हुए। बहुत बढ़िया, सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ही बाय है। ओके, ये भी सही है कि सारे मूविंग एवरेज के ऊपर में के ऊपर है, और MACD भी बाय का सिग्नल दे रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर समृद्ध जी, बहुत बढ़िया। 90 रुपए के लेवल से रिजेक्शन मिल रहा है, पर 100 EMA पे सपोर्ट लेके वापस उसी लेवल के पास है। ठीक है, 90 रुपए के लेवल से रिजेक्शन मिल रहा है पर 100 EMA पे सपोर्ट लेके वापस उसी लेवल के पास है। बहुत बढ़िया, आपने बहुत बारीकी से पकड़ने का कोशिश किया समृद्ध जी, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। अगर ये रेजिस्टेंस लेवल और ये 7 से 8 मंथ के प्राइस चैनल को अच्छे वॉल्यूम के साथ ऊपर ब्रेक करके क्लोज करता है तो बाय साइड अच्छा मूवमेंट मिल सकता है, बाय साइड अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। बहुत सुंदर, मैं आपको मुबारकबाद भी दूंगा कि आपने इतना महीन चीज़, इतना पॉइंट को पकड़ा बस उस एक चार्ट पर और वो सारे मेरे वीडियोज़ को देख कर। यानी कि फ्री, ये जो लोग फ्री वर्ड यूज़ करते हैं ना कि फ्री में मुझे बता दो, सर हर चीज़ मेरे, हर चीज़ फ्री है लगभग लगभग सारा चीज़। और उसमें से लोग देखिए कितने पॉइंट वाली चीज़ों को ढूंढ लेते हैं सीखने वाले लोगों के लिए। कहीं कोई जनरेटर के आवाज़ में भी वो पढ़ लेता है, अगर वो सीखने समझने वाला बंदा है तो जनरेटर की आवाज़ में भी पढ़ लेगा। लोगों को हल्का सा साउंड इशू आ जाता है तो वीडियो के कमेंट में लिखते हैं साउंड घटिया है, इस टाइप के आते हैं, क्योंकि उनको साउंड पे ज़्यादा दिमाग देना ना, उनको उस वो इरिटेशन पे, वो अर्जुन की आंख की तरह चिड़िया की आंख पर नहीं देख रहा है, वो किसको देख रहा है, वो सारे डाल को देख रहा है, पक्षी को देख रहा है, इसलिए दिक्कत हो रहा है। आपको आंख को देखना है, आपको ध्यान लगाना है, सोचना है कि आखिर मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। नॉइस को छोड़ दीजिए। अच्छा, दूसरा क्या है, रिजेक्शन रीजन। अब ये सिलेक्शन रीजन बता दिए, बहुत बढ़िया। अब रिजेक्शन रीजन मुझे एक ही दिख रहा है सर, कि हमें इस ब्रेकआउट और क्लोज से पहले इसको बाय नहीं करना। बहुत सुंदर, ये इसके लिए मैं ताली बजाना चाहूँगा सर। बहुत बढ़िया, तो देखिए मैंने आपके लिए ताली बजा दिया। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और क्योंकि ये स्टॉक चैनल के सपोर्ट ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए ही वीक हो जाएगा। बहुत सुंदर, ये आपको मैं मुबारकबाद फिर से दे रहा हूँ कि आपने बहुत अच्छे सब चीज़ों को पकड़ा है समझी। लेकिन ये सिर्फ एक पार्ट है आपका टेक्निकल, आपने पहले ही लिख दिया क्योंकि आपने इसको टेक्निकल के हिसाब से पकड़ा। टेक्निकल के हिसाब से इसके कुछ फंडामेंटल चीज़ें भी अगर आप इसमें ऐड करते हैं तो ये और भी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होता। हालांकि आपने फिर भी 70% काम किया, हालांकि आपने फिर भी, मैं कहूँगा कि आपने 70% चीज़ों को ऑब्जर्व किया है इस गुल पॉली में। तो ये है समृद्ध जी का चार्ट पे चल के रिटर्न देखेंगे हम लोग सॉरी रिटर्न देखेंगे क्या आया। लेकिन समृद्ध जी के बाद जिन्होंने भेजा है मैं उनका भी नाम लेना चाहूँगा, जिन्होंने कुछ कोशिश किया था बढ़िया भेजा कई लोगों ने, लेकिन कुछ कुछ ऐसे लिखे कि मैं बताने में भी मुझे नहीं बन रहा है कि मैं उनमें क्या बताऊं क्या करूं। और तो जिन लोगों ने रीज़न सही पकड़ा मैं उनका नाम आपके सामने रख रहा हूं। अब देखिए जो दूसरा नाम है आपके सामने, और वो दूसरा नाम मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, हाँ
ये एक मिनट में, इनका नाम ये शायद हेमंत जी हैं, या मैं नाम पढ़ के बताता हूँ व्हाट्सएप पर। जी हाँ दोस्तों, इनका नाम है, ये हेमंत जी हैं जालंधर से। कहाँ से है? जालंधर से हेमंत जी ने लिखा था इसके बारे में। देखिए मैं लिख देता हूँ, सिटी जालंधर, नाम है हेमंत जी, ठीक है? तो इन्होंने लिखा था, हेमंत, एन होगा ना, ए होगा ना, हेमंत जी। मैं हेमंत सर लिख देता हूँ, चलिए हेमंत सर। इन्होंने गुल पॉली के सिलेक्शन रीजन बताए थे कि प्लेज एक भी नहीं है। ये देखिए थोड़ा फंडामेंटल है, ध्यान दीजिएगा समरथ जी, कि आपने टेक्निकल को देखा था, इन्होंने फंडामेंटल पकड़ा, ठीक है? तो टेक्निकल प्लस फंडामेंटल इज इक्वल टू हीरो, ठीक है? अब देखिए प्लेज जीरो, गिर भी कंपनी ने एक भी शेयर नहीं रखा था। बहुत बढ़िया है मन जी, बहुत अच्छा पकड़ा आपने। प्रमोटर के पास 68% की हिस्सेदारी है, बहुत बढ़िया, यानी कि सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी मालिक के पास है। कंपनी का जो मालिक है वो अपनी ज़्यादा हिस्सेदारी रख रहा है। अगर कोई कंपनी के मालिक अपने पास ज़्यादा हिस्सेदारी रखता है तो वो कहीं ना कहीं वो बेहतर सिग्निफिकेंट करता है कि नहीं। चलो 75% से तक में अगर रहता है, 75% का नियम है कि सब 75% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 75% तक होना चाहिए, और बाकी का 25% हिस्सा पब्लिक को होना चाहिए। इनके पास 68% का हिस्सेदारी था, बहुत बढ़िया। तीसरा है गिव्स डिविडेंड मीन प्रॉफिटेबल कंपनी, बहुत बड़ा रीजन है, डिविडेंड पेई कंपनी है, डिविडेंड देती है, बहुत सुंदर। वर्ल्ड वाइड बिजनेस है, पूरी दुनिया में इसका धंधा था, बहुत सुंदर। क्लाइंट्स आर लीडर ऑफ देयर सेक्टर, बहुत अच्छा, क्लाइंट भी इनका बड़े बड़े कंपनियां थी। चार्ट जो है पैटर्न को फॉलो करते हुए चल रहा है, तो इन्होंने थोड़ा टेक्निकल को भी पकड़ा चार्ट को, और साथ ही फंडामेंटल को भी पकड़ा, जो कि इनको भी लगभग लगभग 60-70% मार्क्स प्रोवाइड करता है यहाँ पर, बहुत बढ़िया। तीसरा जिन लोगों ने भेजा, पहला समर जी ने यूपी लखनऊ से भेजा था, सही लगभग लगभग, और इन्होंने हेमंत जी जालंधर से। एक और व्यक्ति हैं जिन्होंने शायद भेजा था, बहुत ही अच्छा भेजा था उन्होंने, मैं उनका नाम बताना चाहूँगा, पहले मैं उनका मैसेज सामने में लाता हूँ। हाँ देखिए, ये हैं अमर कुलकर्णी जी, क्या नाम है इनका, अमर कुलकर्णी जी लिख रहे हैं। देखिए रीज़न, नाम है इनका पुणे से, अमर कुलकर्णी जी, बहुत बहुत धन्यवाद कुलकर्णी साहब। गुल पॉली का, आई थिंक द स्टॉक सिलेक्शन रीजन रीजन इज इट नाउ एट द न्यू हाई ब्रेकिंग पोजिशन, न्यू हाई को ब्रेक कर रहा है। मैंने कब पोस्ट किया था चार्ट, 1 जनवरी, 1 जनवरी 2021 को मैंने पोस्ट किया था, फ्राइडे के दिन। तो उस दिन ये कहीं ना कहीं न्यू हाई को ब्रेक कर रहा था, जिन्होंने अमर जी ने आइडेंटिफाई किया इस बात को, बहुत बढ़िया। तो सिर्फ इन्होंने एक चीज़ देखा, दूसरा फॉर रिजेक्शन इट हैज स्मॉल वॉल्यूम, ओ इसके पास वॉल्यूम नहीं था उस दिन, अच्छा ठीक है। एंड एवरी टाइम इट इज फॉर्म्स न्यू हाई एंड अगेन गोज डाउन, यानी कि एक ये न्यू हाई, ये न्यू हाई बनाता है और फिर ये लो चला जाता है। इन्होंने पकड़ा डाउन टू ए लेवल लाइक जिगजैग, और ये एक जिगजैग पैटर्न बनाते हुए ऊपर की साइड में फिर जाता है, यानी कि ये जिगजैग पैटर्न बनाते हुए जा रहा है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अमर साहब आपने बहुत सही पकड़ा। अब हम लोग चार्ट पे चलेंगे और उस पर और डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है वीडियो पसंद आता होगा आप लोगों को, कमेंट करके मुझे फीडबैक जरूर दें। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। दो स्टॉक्स याद करिए, दो स्टॉक, कौन से दो स्टॉक की बात कर रहा हूँ? एक तो मैंने बजाज स्टील उस दिन बताया हुआ था, हालांकि मेरे जितने भी स्टॉक हैं आप हिस्ट्री जाके पलट के देखें, सारे मल्टी बैगर बने। और दूसरा एक गुल पॉली के बारे में हम लोग आज प्रॉपर डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे ही करके मैं धीरे धीरे लगभग हर स्टॉक पर डिस्कस करता रहूँगा बीच बीच में, जैसे जैसे समय मिलेगा। थोड़ा लेट हो जाता है वीडियो में, थोड़ा स्वास्थ्य को भी इश्यू हो जाता है, बहुत सारे काम भी हो जाता है पर्सनल, इस वजह से भी नहीं बन पाता है। बजाज स्टील और गुल पॉली, तो पहले हम लोग गुल पॉली पर बात कर रहे हैं, तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। चलिए तो सबसे पहले चार्ट लगाएं। अच्छा ये देखिए, ये भारतीय एयरटेल का चार्ट है आपके सामने में। मैं बता दूं कि भारतीय एयरटेल को बेस बना के मैंने आप लोगों के लिए एक लर्निंग वीडियो, टर्न अराउंड चार्ट स्टडी, टर्न अराउंड स्टॉक को कैसे पकड़ें जो अपना लो मोमेंट को छोड़ के अप साइड में जाने को तैयार बैठा है, ब्रेकआउट से पहले कैसे पकड़े, ये वीडियो मैंने आपको बता के दे दिया है, बाजार हाट न्यूज चैनल पर जाके देख सकते हैं। चलिए हम लोग गुल पॉली के बारे में पहले बात करेंगे। 1 जनवरी 2021 को वो चार्ट मैंने पोस्ट किया था कुछ इस प्रकार का मैसेज के साथ।
जो कि आपने देखा कि मैंने टेलीग्राम चैनल वाला मैसेज आपको दिखाया कि क्या देखा था मैंने इस स्टॉक में, है ना। अगर आपने वो मैसेज नहीं देखा तो वीडियो को रिवाइंड करके पीछे चले जाइए, शुरुआत में आपको मिल जाएगा। 1 जनवरी 2021, और ये देखिए ये 1 जनवरी 2021 ठीक यहाँ पर मैंने इस स्टॉक के बारे में पोस्ट किया था, और यहाँ पर जो करेंट भाव था उस वक्त 1 जनवरी 2021 को, उस दिन की क्लोजिंग की बात करें तो 82.90 रुपये के आसपास की क्लोजिंग थी। कितनी? 82.90 रुपये का। मैं अगर यहाँ पे भी देखो, और आज का प्राइस 207 रुपया। आज का मतलब, कहने का मतलब आज का क्या, यानी कल 9 जुलाई यानी फ्राइडे 2021 का जो था प्राइस 207 रुपये का प्राइस है। अगर हाई, ऑल टाइम हाई की बात करें तो 219 रुपये का भाव लगाया, 219 रुपये का भाव। अगर मैं प्रॉफिट परसेंटेज की बात करूं, तो कितना प्रॉफिट हम लोगों ने बनाया, ये देखिए। एक मिनट दोस्तों, ये जरा लिंक के बारे में लोग ग्रुप में पूछ रहे हैं। एक्चुअली मेरा वो टॉक टू ईच अदर, हेल्प टू ईच अदर सेशन चलता है ना स्टूडेंट लोगों के लिए, तो उसी के बारे में पूछ रहे हैं। लिंक मैंने डाला हुआ है, तो मैं जरा इनको कन्फर्म कर दूँ कि सेम लिंक है। चलिए, तो मैंने बता दिया कि भाई वो सैटरडे को करता हूँ टॉक टू इच अदर, हेल्प टू इच अदर, संडे को डाउट सेशन होता है मेरे स्टूडेंट लोगों के लिए, तो वो सारी चीज़ें चल रही थी, उसी का लिंक मीटिंग मैंने वेबिनार लिंक मैंने बना के दिया हुआ था। खैर चलिए, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कितना परसेंट आ गया रिटर्न। हम लोग यहाँ पे परसेंटेज रिटर्न की अगर बात करें, चलिए मैं परसेंटेज रिटर्न की बात करता हूँ। यहाँ से मैं उठाता हूँ प्राइस रेंज, और एक जनवरी से आपने ट्रेड नहीं किया होगा क्योंकि फ्राइडे था, तो 4 तारीख को आपने ट्रेड किया होगा, तो यहाँ से ड्रॉ करते हैं 4 तारीख से लेकर अगर लास्टली ऑल टाइम हाई की बात करें, तो हम देख रहे हैं कितने का रिटर्न आपको आया हुआ है। क्या आप यहाँ पर से रिटर्निंग देख रहे हैं, नीचे से ऊपर की साइड में रिटर्निंग देख रहे हैं, कितने का रिटर्न आया हुआ है आपको ज़रा सोच के बताइए। यहाँ पर तो लिख भी रहा है ना, यहाँ पर नहीं लिख रहा है, देखिए यहाँ पर ऊपर देखे नहीं लिख रहा है, 162.63% का रिटर्न नीचे से ऊपर की साइड में आया हुआ है, 165% का रिटर्न, 165% का रिटर्न आपको यहाँ पर 6 मंथ, कितना मंथ में, 6 मंथ में पैसा लोग बैंक में रखते हैं, 10 साल तब जाके पैसा डबल होता है, यहाँ 6 मंथ में पैसा डबल हो रहा है, 2 महीने में पैसा डबल हो रहा है, 3 महीने में डबल हो रहा है। इसलिए मैंने आपको बोला था यहाँ पैसा लोगों ने कमाया नहीं है, इस बार पैसा छाप दिया पकड़ के, है ना, क्या किया, पैसा छाप दिया। 165% का रिटर्न इस स्टॉक्स ने विदाउट किसी रिस्क के आपको आराम से बना के दिया। तो क्या था सिलेक्शन रीजन आखिर इसके पीछे, फिर इसके बाद हम लोग बजाज स्टील पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो समर्थ जी ने आंसर किया था, समर्थ जी ने बहुत ही अच्छा आंसर किया था, बहुत ही कंसोलिडेशन मोड को समझाया था, प्लस ब्रेकआउट समझाया था, टेक्निकली उन्होंने देखा था कि स्टॉक ब्रेकआउट हो रहा है और उसके बाद जो है राउंडिंग बॉटम बना रहा है, इस तरह से इन्होंने चीज़ को देखा था, और बिल्कुल सही सही समर जी ने उसको पकड़ा। और मुबारक हो समर जी, अगर आपने पैसा इस पे बनाया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपने बिल्कुल 60 से 70% के आसपास में जरूर, अगर फंडामेंटल थोड़ा आप ऐड कर लेते तो और ज़्यादा बेहतर हो जाता आपके लिए। दूसरा अगर इन्होंने हेमंत जी ने दिया था, तीसरा अमर कुलकर्णी साहब ने बताया था, उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने कुछ फंडामेंटल भी ऐड किए। और स्टॉक हमेशा हायर लो और हायर हाई बनाते हुए अप साइड में जा रहा था, जैसा कि अमर कुलकर्णी जी ने कहा था कि ये एक जिगजैग पैटर्न में चलता हुआ चला जा रहा है, जिसके वजह से इस स्टॉक्स में काफ़ी मोमेंट बन सकता है। बिल्कुल अमर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा, और साथ में हेमंत जी ने भी कहा कि फेस ये डिविडेंड पे स्टॉक है, प्लस प्रमोटर के पास होल्डिंग है, कोई कम कर्जा नहीं है, प्लस और भी दूसरे जगह विदेशों में कारोबार है, तो शानदार, बड़े बड़े क्लाइंट, बहुत अच्छा स्टडी किया आप लोगों ने, इसके लिए मुबारक के आप लोग पात्र हैं, मुबारकबाद के। आगे बढ़ूंगा, बजाज स्टील की बात करेंगे हम लोग। बजाज स्टील, इसका हेडिंग मैंने कुछ लिखा था, जहां सन्नाटा है वहां पैसा है, ये हेडिंग से ही मैंने वीडियो वो चार्ट पोस्ट किया था। क्या वो चार्ट आप लोग फिर से देखना चाहेंगे तो मैं आपको वो चार्ट फिर से दिखा देता हूँ। बजाज स्टील का ये स्टॉक आपके सामने में आ रहा है, और जल्दी से आ जाओ भाई, बजाज स्टील ये देखिए, बजाज इसके बारे में 1 जनवरी 2021 को मैंने वो चार्ट पोस्ट किया था, और उसका मैं शीर्षक दिखाता हूँ आपको पहले।
तो ये है मैसेज दोस्तों उस बजाज स्टील इंडस्ट्रीज का, साइलेंट किलर, जहां सन्नाटा है वहां पैसा है, ये हेडिंग से मैंने बताया था। तो चलिए, क्या ये इस लाइन को पूरा करता है या नहीं करता है, क्या सच में पैसा बना या नहीं बना, इसको चार्ट पे चल के देखते हैं। तो यहां पर बजाज स्टील का चार्ट है और 427% का रिजल्ट आया। कितना? 427% का रिटर्न इन्होंने 6 महीना में दे दिया इस स्टॉक ने। मैंने यहाँ कहीं पर पोस्ट किया था, आप 1 जनवरी 2021 का ये लेबल है और उसके बाद से इस स्टॉक ने जो हवाई घोड़ा पकड़ा, तो ये स्टॉक अभी भी सर्किट पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 1431, अगर हम लोग फ्राइडे की बात करें, यानी 9 जुलाई 2021 की बात करें, तो 9 जुलाई का इसका क्लोजिंग प्राइस कितना था, ऊपर यहाँ पे आप देखेंगे तो क्लोजिंग प्राइस था 1431 रुपये। सिलेक्शन प्राइस कितना था, 300 के आसपास, 290 रुपये के आसपास, ठीक है, बिल्कुल सही, 290 रुपये के आसपास। और वहाँ से 427% का रिटर्न इसने दे दिया। तो अगर आप लोगों में से किसी ने 1 लाख रुपये भी इसमें इन्वेस्ट किया होता, 1 लाख रुपये भी, तो आज कितने रिटर्न बनते, लगभग 4.5 लाख रुपीज़ आपके पास हाथ में होना चाहिए थे। तो यानी 1 लाख का 5 लाख बन चुका है लगभग। और इसी तरह से बहुत सारे स्टॉक्स मैंने दिए, लेकिन समस्या क्या है, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे क्या है, हम लोगों को कभी भी ऐसे सभी स्टॉक्स के प्रति बताया नहीं जाता है मार्केट में, कभी नहीं। आप किसी भी टीवी चैनल देख लीजिए ना, कोई भी टीवी चैनल देख लीजिए, चाहे वो दो ही तो टीवी चैनल है बिजनेस वाले, ज़्यादातर लोग देते हैं, नहीं सुना होगा इस स्टॉक के बारे में। कमेंट करके मुझे बताइएगा अगर किसी ने बताया हो किसी चैनल ने इस स्टॉक के बारे में। जहां सन्नाट शांत रहता है ना, वहां बताना ही नहीं उन लोगों को ना, उन लोगों को नहीं बताएगा वो लोग, क्योंकि वो लोग वो चीज बताता है जो हो रहा है एक्चुअली मार्केट में। मार्केट ऊपर जा रहा है कह रहा है मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है कह देगा मार्केट नीचे जा रहा है। अरे भाई, वो तो मैं भी देख रहा हूँ कि मार्केट ऊपर जा रहा है, वो मैं भी देख रहा हूँ मार्केट नीचे आ रहा है, ये बताओ कि मार्केट नीचे से ऊपर कब जाएगा, और मार्केट ये बताओ कि अगर ऊपर जा रहा है तो नीचे कब आएगा। बात तो यहाँ पे है, मुद्दा तो यहाँ पर है ना। तो ये सब स्टॉक कौन बताएगा भाई, ये जो छिपा हुआ है, जो साइलेंट बैठा है, ये बजाज स्टील का स्टॉक है। हमें भड़काया जाता है, हमें बताया जाता है तुम करो टाटा स्टील में, तुम करो JSW स्टील में, तुम करो जिंदल स्टील में, तुम करो फलना में, तुम ढेकना में, तुम चेकना में करो, पर इसमें मत करो, ऐसे बोलेगा कि इस स्टॉक का नाम ही नहीं बताएगा। और पैसा यहां बना, कहां बना, यहां बना, कहां, जहां शांति था, जहां सन्नाटा था, बिल्कुल साइलेंट किलर की जैसा। देख रहे ना चार्ट बोलता है, मैं नहीं बोल रहा कि मैंने एकदम कड़क स्टॉक सेलेक्ट करके दिया, मेरा चार्ट बोलता है कि मैंने कैसा स्टॉक सेलेक्ट करके आपको दिया, और वो चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। भीड़ में मत जाइए, अगर आप भीड़ में जाएंगे तो पिसा जाएंगे। नहीं देखिए, मेला ठेला का भीड़ लगता है, मेला ठेला का जब भीड़ लगता है तो उसमें भीड़ में घुसते तो कैसे आदमी दाब देता है एक दूसरे को, नहीं तो चिपा जाएंगे। शांति वाले जगह पर ही ना, वहाँ पे देखिए मज़ा आएगा, मेला भी आराम से देखेंगे, मज़ा भी लेंगे, एंजॉय भी करेंगे, टेंशन भी नहीं रहेगा। उसी तरह ऐसे स्टॉक को ढूंढिए जो भीड़ में शामिल नहीं है, लेकिन मूवमेंट कंटिन्यू हौले 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 चल रहा है। और ये सारी चीज़ें आपको कैसे पता चलेगा, आपको NSE इंडिया और BSE इंडिया का वेबसाइट अवेलेबल है दोस्तों, आप उसको कंटिन्यू रीड करिए, यही कंटिन्यू रीड करिए। देखिए, ये जो रॉकेट साइंस वाली बात मैं अक्सर बोलता हूँ, मेरे ग्रुप में भी अभी वही चर्चा चल रहा है कि लोग यहाँ रॉकेट साइंस लेकर आते हैं, बाद में होम साइंस में कन्वर्ट होते हैं। ये सही बात है, रॉकेट साइंस इस मार्केट में नहीं चलता, अगर रॉकेट साइंस चलता होता तो पैसा सब मंगल ग्रह पे चला जाता है ना, तो फिर मामला ही खत्म हो जाता। आप हमेशा नॉर्मल चीज़ों को पकड़िए, शांति प्रिय स्टॉक को पकड़िए, धीरे धीरे स्टॉक को पकड़िए। आप देखिए ना, आप TCS में फंसे रह गए, आप टाटा इलेक्सी में फंसे रह गए, और ये चुपचाप से ये जो टालना सॉल्यूशन है, टालना प्लेटफार्म, देखिए यहाँ, देखिए मजाक कर रहा हूँ, देखिए ये कितने का देख लीजिए, जून 2020 में 66 रुपये पे था, 66 में, है ना। और अगर अभी का भाव का बात करें इस टालना प्लेटफॉर्म में, तो देखिए ये इसने हाई कितना मार दिया, देखिए
एक साल के अंदर में 1021 रुपये, 66 रुपये का स्टॉक 1021 का हो गया। तो हमें TCS में फंसा दिया जाता है, हमें इंफोसिस में फंसा दिया जाता है, हमें फंसा दिया जाता है माइंडट्री में बोल बोल के। और पैसा तो यहाँ बना के दिया रे भाई, यहाँ ठोक दिया, फोड़ दिया पैसा, 1350% का रिटर्न दिया भाई, 1350% का। तो मतलब गिनती ही नहीं है ये सब का। ऐसे ऐसे स्टॉक्स भरे पड़े हैं जिसके बारे में आपको जल्दी बताया नहीं जाएगा, ये सारी चीज़ें हैं दोस्त। लेकिन ये आपको ढूंढना है, आपको अपने पेशेंस से ढूंढना है, अपने स्किल से ढूंढना है, डेवलप करना है। और बाकी जो फॉलो मुझे करते हैं तो बस करते रहिए। मैं ऐसे स्टॉक्स, मल्टी बैगर स्टॉक्स तो लिस्ट है भरे पड़े, मल्टी बैगर स्टॉक जो मैंने दिए, बिरला सॉफ्ट 6300 पे कैमलिन फाइन दिया भाई, लो ना कैमलिन फाइन 37 रुपये पे दिया कैमलिन फाइन, आज 210 रुपये पे 7 रुपये पे ट्रेड कर रहा है कैमलिन फाइन, 37 रुपये पे बार बार रिकमेंड किया, लीजिए उसने हाई मार दिया 216 रुपये का। कौन कहता है भाई पैसा यहाँ होना, लेकिन हमें बार बार बोलेगा तुम ले लो आरती इंडस्ट्री, बड़का बड़का हवाई जहाज वाला। अरे तुम वो बताओ ना जो छोटे प्राइस का जिसमें पोटेंशियल है अपसाइड, बड़ा तो और बड़ा हो सकता है। ये तो भारत का दुर्भाग्य है ना कि अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। ये बताओ ना कि गरीब कब अमीर होगा भाई, बड़ा स्टॉक वाला तो और बड़ा हो ही जाएगा, बड़ा स्टॉक और बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये बताओ कि छोटा स्टॉक कब बड़ा होगा, बहादुरी तो वहां पर है ना बताने में। तो ये बताओ ना भाई, जब बड़ा हो जाता है तब बताते हो ये स्टॉक ले लो वो स्टॉक ले लो, तो ये आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। बाकी मैं फिर से वो एक चार्ट पोस्ट करूंगा और आप लोगों से रीजन मांगूंगा कि इसका सिलेक्शन का रीजन क्या, एक अलग चार्ट मैंने सेलेक्ट करके रखा है, उसका रीज़न आप मुझे बताइएगा, मैं फिर से उस पर एक वीडियो एजुकेशन बनाने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, अगर पसंद आए तो सूचित करके मुझे बताएं, कमेंट सेक्शन में स्वागत है आप लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।